पालमपुर हॉस्पिटल के विवेक आचार्य सीबीएन एएटी नमूनों के बैकलॉग को साफ करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। उनके जैसे कर्मचारियों के अथक प्रयासों के कारण ही देश ने टीबी को खत्म करने का सपना देखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला कांगड़ा में 16 से 30 नवंबर तक टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग के लोग डॉक्टर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत जिला में लगभग 2 लाख की आबादी को चिन्हित कर घर द्वार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व आशा वर्कर की टीमों द्वारा मरीजों की पहचान व इलाज का अभियान चलाया गया है। इसके बारे में जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आर के सूद ने बताया कि टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जिले में 650 टीमें गठित की गई हैं, जिनके माध्यम से घर घर जाकर टीबी की जाँच की जा रही है और जो सैंपल आ रहे हैं उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। जिला कांगड़ा में 5 सीवी नोट मशीनें पालमपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी, टांडा और धर्मशाला में हैं। सीवी नोट मशीनों में एक समय में 4 टेस्ट हो पाते हैं। एक समय में एक टेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं, जिस कारण काफी बैकलॉग इकट्ठा हो रहे थे। सीएमओ कांगड़ा के आदेशा अनुसार हमारे कर्मचारी 3 शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। आर के सूद ने बताया कि एक दिन जब वे पालमपुर के अस्पताल में गए तो उन्होंने देखा कि लैब टेक्नीशियन विवेक आचार्य रात में कार्य कर रहे थे, जिनका वीडियो बनाकर सरकार के साथ शेयर किया, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उसे ट्वीट किया गया है। हमारी सभी टीमें बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही हैं। जिला कांगड़ा में अभी तक 32 मामले शुरुआत के 4 दिन में निकल के सामने आए हैं। एक अच्छी हूँ जान है हमारा लक्ष्य और 90 मामलों को खोजकर उपचार करने का है। ज्वालामुखी में एक के बाद लगातार हो रही चोरियों के बाद यहाँ के शहरवासी सहम उठे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ भी अभी तक खाली हैं और चोरों को पकड़ने में पुलिस बेबस नजर आती दिख रही है। आलम ये है कि एक महीने के अंदर ज्वालाजी में 4 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं और इन चोरियों को अंजाम देने वाले लोग अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर खुले में घूम रहे हैं। ऐसा कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगला घर अब इन चोरों के निशाने पर किसका होगा। वहीं ये चोर अब ऐसे घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो गरीब तबके के हैं और मेहनत मजदूरी कर अपने पैसे जरूरत पर पड़ने वाले कामों के लिए घर में रख कर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक ये अज्ञात चोर एक महीने में ज्वालामुखी शहर में 4 से अधिक घरों के ताले तोड़कर यहां रखी नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर चुके हैं। चोर इतनी सफाई से चोरी की वारदात को दिन दिहाड़े में ही अंजाम दे रहे हैं कि इसकी भनक यहां साथ में रह रहे पड़ोसियों तक को भी नहीं लग रही है। अभी तक चोरों द्वारा दोपहर के बीच सारी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही नहीं, ये चोर उन घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जो इस दौरान अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। वहीं इन अज्ञात चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। हैरानी की बात ये है कि लगातार हो रही चोरियों के बाद ज्वालामुखी पुलिस प्रशासन का दावा है कि उन्होंने शहर में गश्त बढ़ा रखी है, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब देखना ये होगा कि अपने आप को स्मार्ट कहने वाली ज्वालामुखी पुलिस के हाथ कब ये अपराधी लगते हैं। अब तक ज्वालाजी में चोर इन घरों के अलावा इससे पहले भी 3 घरों के ताले तोड़ चुके हैं। साथ ही ज्वालाजी बस स्टैंड की बेसमेंट में एक बाइक चोरी कर चुके हैं। इन मामलों में पुलिस ने चोरी हुई बाइक का
मामला 12 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया था, लेकिन चोरी की वारदात के मामले में संलिप्त चोरों को पकड़ने में ज्वालामुखी पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। लिहाजा ज्वाला जी में अब चौथी चोरी की वारदात एक महीने के अंदर वार्ड नंबर एक में फिर से सामने आई है। इससे पहले ज्वाला जी वार्ड नंबर दो में 14 अक्टूबर को पहली चोरी हुई थी, जहां चोरों ने गिरीश के घर में 70,000 के गहने व 20,000 नकद चुराए थे। इसके बाद 19 को ज्वाला जी बस स्टैंड से बाइक चोरी हुई थी, जिसे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला था। इसी बीच 22 अक्टूबर को ज्वाला जी वार्ड नंबर दो के एक घर में ही चोरों ने 35,000 रुपए नकद व 70,000 रुपए के गहने चुराए थे। इसके बाद भी चोरी की वारदात 5 नवंबर को दिलीप सिंह नेगी के घर में हुई थी, जहां चोर 15,000 की नकदी व कुछ गहनों पर अपना हाथ साफ कर गए थे। और अब दोबारा वार्ड नंबर एक में चोरी की वारदात सामने आई है। डीएसपी ज्वाला जी तिलक राज ने बताया कि शहर में हुई चोरियों के बाद पुलिस ने सिविल ड्रेस में कुछ एक पुलिस के आदमी लगाए हुए हैं, जो हर संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी रखे हुए हैं, साथ ही हर गली में घूम रहे हैं। इस बीच संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही मामले में संलिप्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। विकास के दावे और विकास की गति तेज करना इन लोगों के लिए चुनावी बेला में सुना जाने वाला एक जुमला पत्र है। पिछले करीब 5 दशकों से ये लोग अपने गांव के लिए एक पक्की सड़क की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हुक्मरानों ने जैसे इन लोगों की बात नहीं सुनने की कसम खा रखी है। उसी का नतीजा ये है कि इस गांव में आज दिन तक पक्की सड़क नहीं है। करीब 2.5 किलोमीटर की सड़क बन जाए तो इस गांव के तकदीर बदल जाए, लेकिन यहां के सियासतदान लोगों से सिर्फ मिन्नतें करवाकर उनका मजाक ही उड़ाते आए हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के आखिरी छोर पर मंड क्षेत्र के रियाली पंचायत की गांव बेली जट्टा की, जहां तकरीबन 40 परिवार बिना सड़क सुविधा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ज्ञापन में सरकार को एक महीने का समय देकर चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी गांववासी धरना देंगे। वहीं नायब तहसीलदार सुशील कुमार ने बताया कि उन्हें ज्ञापन मिला है, जिसे वे आगे भेज रहे हैं।